तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग आज इस कॉल में जिस पर्पस से आए हैं वो है एक फाइनेंशियल बैकअप तैयार करने के लिए, है ना। क्योंकि तो ये जो आने वाले दिन हैं, जैसा आप सबको अंदाजा ऑलरेडी लग चुका है कि कुछ कुछ इम्पैक्ट फाइनेंशियली होने वाला है, और हम नहीं जानते हैं ऑनेस्टली किसको क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन हम नहीं वेट करना चाहते हैं उस दिन के लिए कि हमको इम्पैक्ट हो और तब हम कुछ शुरू करें। ओके, तो पहली बात करें कि जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी का मतलब है इनकम की अनसर्टेनिटी। एक्सपेंडिचर की अनसर्टेनिटी कभी नहीं होती है, वो तो हमेशा रहेगा, है ना। तो इनकम की अनसर्टेनिटी को हम सब फील कर पा रहे हैं। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों को सोचने के लिए बोलूं कि पिछले 5 साल आपका इनकम किस रेट से ग्रो किया है और आपके एक्सपेंडिचर्स किस रेट में ग्रो किए हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि कुछ गैप होगा, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए कुछ गैप होगा। इनकम जिस रेट में ग्रो कर रहा है, एक्सपेंडिचर शायद उससे ज्यादा रेट में ग्रो कर रहे हैं, तो उस वजह से एक इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप आ रहा है। अब अगले 5 सालों में ये एक्सपेंडिचर और इनकम का जो गैप है, दिस विल बी इवन मोर, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगले 2-3 साल बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट, हाँ, उतना सैलरीज शायद ना बढ़े। हाँ, कई जगह हम सुनने में आया है कि सैलरीज को घटा रहे हैं। ओके, सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, हम क्यों ऐसा समय आने दें, क्यों ना हम अभी से कुछ ऐसा सोचें जो हमारे इस गैप को पूरा करे। ओके, तो ये एक कारण हो सकता है। अब देखिए, अगर हमको ये गैप को एड्रेस करना है, इसका मतलब हमको एक अनदर इनकम सोर्स क्रिएट करना, ये बहुत लॉजिकल बात है ना। तो अब हमारे पास, हम ये कह रहे हैं कि खुद का बिजनेस किया जाए, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक है इनकम की, एक है अनसर्टेनिटी की। ऑलराइट, तो एक तो हमको इनकम चाहिए, दूसरा हम अनसर्टेनिटी नहीं चाहते हैं। जॉब में आज का जो मार्केट है, एक अनसर्टेनिटी है। क्यों है? क्योंकि वो एक किराए के मकान जैसा है। हाँ, तो जिस तरह से किराए के मकान में मकान मालिक के हाथ में रहता है कब वो मुझे कह दे कि भाई खाली कर दो, हाँ, तो उसी तरह से जॉब का भी सिनेरियो है। तो क्यों हम उस सिनेरियो के लिए वेट करें, हाँ, और क्यों हम 10 साल, 20 साल, 30 साल किसी के लिए काम करें और अपने लिए कुछ एसेट ना तैयार करें। हाँ, तो जो हम एसेट की बात कर रहे थे वो है एक बिजनेस एसेट जो हमारा खुद का हो, जहां से हमको कोई निकाल ना सके, है ना। तो अब देखिए, जनरली बिजनेस करने के लिए क्या लगता है, जो कन्वेंशनल बिजनेस की अगर हम बात करें, कैपिटल लगता है, जगह लगता है, ऑब्वियसली रिस्क होता है, एक्सपर्टाइज लगता है, जिस भी बिजनेस को हम करें उसमें एक एक्सपर्टाइज लगता है, लोग लगते हैं, इंप्लॉयज लगते हैं, कॉम्पिटिशन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, रिस्क आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, है ना। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस आपका टिका रहेगा, क्या अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल का विजिबिलिटी आपको है। आप देखते होंगे अपने आसपास में काफी बिजनेसेस को शुरू होते हुए और काफी बिजनेसेस को बंद होते हुए, है ना। हर दिन साइन बोर्ड चेंज होता है दुकानों में। अगर आप बाजार में जाते हैं तो 1 साल पहले जो साइन बोर्ड था अभी वो साइन बोर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो बिजनेस सिमट गया है ना। तो बहुत सारे ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स है कि आज की डेट में अगर 100 बिजनेस शुरू होते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद शायद less than 5 बचे रहेंगे। ओके, तो ये इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि कन्वेंशनल बिजनेस करने के लिए बहुत सारे तामझाम हमको करने पड़ते हैं। तो कन्वेंशनल बिजनेस हमारे बस का नहीं है, है ना। करना तो हम चाहते हैं, अपने लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल बिजनेस हमारा लिए नहीं। तो दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता है एक ऐसा रास्ता जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा अनकन्वेंशनल हो। कैसा? आइडियल बिजनेस हम सबके लिए क्या होना चाहिए? आइडियल बिजनेस, अगर भगवान करे ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो ऐसा हो कि लो इन्वेस्टमेंट हो या जीरो इन्वेस्टमेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम हो, यानी हमारा जॉब आवर्स है, हमारे प्राइमरी प्रोफेशन को हम डिस्टर्ब नहीं करें एंड उसके साथ साथ इसको करें, और जगह की पाबंदी ना हो, हम घर से इसको कर सकें। अगर हम आज एक शहर में, कल को दूसरे शहर में हमारा ट्रांसफर हो जाए तो वहां से कर सके, है ना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोच के देखें बिजनेसेस
क्यों बंद होते हैं? मेजॉरिटी रीजंस ये है बिजनेस बंद होने का, वो है गाइडेंस की कमी की वजह से, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको जो समझ में आता है आप वो कर रहे हैं, लेकिन वो सही है या गलत है वो तो बताने वाला कोई है नहीं। तो एक आइडियल बिजनेस अगर हम बात करें, एक ऐसा हो जो इन चार पॉइंट्स को कवर करे, नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम यानी अपने समय के हिसाब से अपने प्राइमरी प्रोफेशन के साथ, और जगह की पाबंदी ना हो, और गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट हो, तो ऐसा बिजनेस कौन सा हो सकता है? देखिए एक दो बात और करें उसके बाद हम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। हम लोग जानते हैं, काफी लोग ऐसा बोलते भी हैं कि हमको ज्यादा मारामारी नहीं चाहिए, हाँ भगवान का दिया सब कुछ है, थोड़ा संतोषी टाइप लोग होते हैं, है ना। तो उनका ये कहना है कि थोड़ा बहुत सैलरी आ जाए, जितना मतलब हमारे जो दोहे वगैरह हैं, हाँ साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हाँ मतलब उतना पैसा हमको मिले जिसमें हमारा संसार चल जाए, है ना। तो उसके लिए वो लोग ज्यादा मारामारी में बिलीव नहीं करते हैं। 8-10 घंटे का जॉब अगर मिल जाए, पीसफुल जॉब, हाँ तो ऐसे लोग कहते तो हैं कि हम पीसफुल हैं, खुशी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी तो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जो खुशियां हैं वो पैसे से जुड़ी हुई भी हैं। अगर आप किसी अस्पताल में जाएंगे, हाँ तो आप उसको ये थोड़ी समझा सकते हैं, ये दोहा आप थोड़ी उनको सुना सकते हैं, है ना। दूसरा बात है, कुछ लोग हैं थोड़ा क्लियर हैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को लेकर, हाँ उनको मालूम है कि सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हाँ तो वो अपना अपना समय, अपना खुशी सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली के लिए हाई अमाउंट ऑफ सैलरी की तरफ जाते हैं। 12-14 घंटे का काम करते हैं, उसमें ट्रैवलिंग का टाइम अलग से होता है, लेकिन ऐसे लोग कभी खुश नहीं होते, इनफैक्ट स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, राइट। अब एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? कि आइडियल सिनेरियो ऐसा हो कि 4-6 घंटे का हम काम करें और लाखों में कमाई हो और एक बैलेंस लेके चले, है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहां से मिलेगा? तो आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हम लोग इस ऑप्शन की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, हमारे लिए एक और चीज जो जरूरी है, जिसका मैंने जिक्र भी किया शुरू में, कि अनसर्टेनिटी अभी काफी बढ़ गई है। हमको एक ऐसा इनकम तैयार करना पड़ेगा जो सर्टेन हो, हाँ, और ऐसे इनकम के लिए हमको हमको एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो हमको पैसा भी दे, समय भी दे, और साथ साथ मन की शांति भी दे, है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मन की शांति आती है, है ना। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्यों नहीं उन सब चीजों को पाते हैं जो अभी हम दिखा रहे थे, कि तीसरे जो सिचुएशन है कि समय और पैसा एक साथ क्यों नहीं मिलता है। पहली बात, अधिकतर हम में से जो भी लोग हैं, है ना, हम लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या हमारा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या कोई प्रोफेशन है, है ना। तो सुबह से हम लोग घर से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, ये हम लोगों की जिंदगी है, है ना। अब हमारा जो, अब एक और चीज आप देखेंगे लाइफ में, आपने देखा होगा कि अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं अच्छे से, तो लाइफ में जो इफ है, हाँ, वो हमारी अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है। एनीवे, ये जो इनकम की हमने बात किया, है ना, हमारा सबका जो इनकम है एक फॉर्मूला में बंद कर है, हम सबका, रिगार्डलेस ऑफ पोजिशन, रिगार्डलेस ऑफ नौकरी, रिगार्डलेस ऑफ सेक्टर। वो क्या है? हमारा एक रेट है, हमने कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, हमारा कुछ एक्सपीरियंस है, हमारा कुछ स्पेशलाइजेशन है, इन सब के ऊपर हमारा रेट निर्भर करता है, है ना। दूसरा है टाइम। तो इनकम का जो हमारा इक्वेशन है, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आता है, है ना। अब इस अगर इक्वेशन को अगर हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो दो सिनारियो हो सकता है। एक ये कि मेरा रेट जीरो हो जाए। अब आप कहेंगे कि रेट कैसे जीरो होगा? देखिए आज की डेट में कितनी सारी टेक्नोलॉजीज को हम देख रहे हैं, रोबोटिक्स देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। इनफैक्ट हम और आप नहीं जानते हैं कि कोई राइट नाउ इस वक्त एक ऐसी चीज इजाद कर रहा है जो आने वाले दिनों में हमारे जॉब के लिए डिसरप्शन हो सकता है, हाँ, जो हम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम अपने आप को आज ऐसे एक्सपर्टाइज तैयार कर रहे हैं, है ना। तो हम विदाउट हमारी कोई गलती के बगैर हमारा जो रेट है वो जीरो हो सकता है, ओके। और रेट अगर जीरो हो गया तो हम टाइम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारा
मार्केट में हमारी स्किल्स की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कैसे इनकम करेंगे। तो ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि हम रेडी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी कारण से हम समय नहीं दे पा रहे हैं। काफी सारे सिनेरियो होते हैं, हमने देखा है, दूसरों को भी आपने देखा होगा। हाँ, किसी का कोई हेल्थ सिचुएशन हो गया, किसी के फैमिली में कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो टाइम दे नहीं पा रहा है, उस वक्त फैमिली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ऐसे सब ऐसे सिनेरियो हैं जहां पे हमारे इनकम जीरो होने का संभावना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रेट नेचर ऑफ इनकम, है ना। तो और एक चीज आप देखेंगे कि 40 के होते होते हमारा ये इनकम सैचुरेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि रेट का एक लिमिट आ जाता है और टाइम का जाहिर से बात है 10 से 12 घंटे से ज्यादा तो आप क्या करिएगा, है ना। तो ये इनकम को हमारा सैचुरेट करता है। नाउ एक चीज क्लियर है, इनकम हम बढ़ाना चाहते हैं, है ना, लेकिन इनकम बढ़ाने का एक ही रास्ता है, वो है टाइम को बढ़ाना, है ना। टाइम को कैसे बढ़ाया जाए ये एक सवाल है, है ना। अब देखिए बिजनेसमैन लोग क्या करता है, व्हाट बिजनेस पीपल डू, बिजनेसमैन लोग क्या करता है कि वो हमारा और आपका स्किल जो है खरीदता है पैसा देकर। वो हमको सैलरी दे रहा है और वो हम लोगों का समय खरीद रहा है। सपोज कीजिए एक कंपनी है जहां 1000 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, है ना, और 10 घंटा वहां पे समय दे रहे हैं, तो 10,000 जॉब आवर्स वहां क्रिएट हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसको, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डुप्लीकेशन या टाइम लेवरेजिंग, है ना। ये जो आदमी जैसे मुकेश अंबानी हैं या जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, हम लोग हमेशा सोचते थे ऐसा इनमें क्या है जो हमें नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टाइम को बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन टाइम जब वो बढ़ाते हैं, जिस तरीके से वो बढ़ाते हैं, एक बिजनेस की एक कंपनी शुरू करते हैं, हाँ, तो उस प्रोसेस में वो काफी सारा रिस्क भी लेते हैं। तो हम लोग को ईर्ष्या करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वो कर रहे हैं उसके लिए वो काफी सारा पापड़ भी बेल रहे हैं, बहुत सारा ह्यूज कैपिटल वो लोग डाल रहे हैं, बहुत सारा लॉजिस्टिक्स का टेक केयर कर रहे हैं, है ना। अब सवाल ये होता है कि क्या हम और आप अगर टाइम बढ़ाना चाहें तो क्या हम और आपके लिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे कोई भी बिजनेस जहां पे एसेट बेस्ड इनकम होता है, मेरी बात आप ध्यान से सुने, कोई भी बिजनेस जहां एसेट बेस्ड इनकम होता है वहां तीन चीजें होती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैन बी ऑफ लॉजिस्टिक्स, और भी बहुत सारी चीजें, वेबसाइट, है ना, कॉल सेंटर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किसी भी बड़े बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंप्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन जनरली, है ना। तीसरा, किसी बड़े बिजनेस में एक सिस्टम होता है, और ये तीन चीजों को एक साथ लाना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर हमको एक एसेट बेस्ड इनकम करना है, अब देखिए एक बड़ा बिजनेसमैन अपना एक एसेट बेस्ड इनकम कर रहा है कैसे, अगर आप देखेंगे अंबानीज, अगर ये लोग ऑफिस ना जाएं तो क्या इनका इनकम हमारे और आपकी तरह डिस्टर्ब होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा, है ना। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? द आंसर इज, अगर आज से आप 10-20 साल पहले पूछते तो आंसर था नो, लेकिन बिकॉज ऑफ करेंट सिनेरियो, आज टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इंटरनेट का स्पीड बढ़ गया है, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर आप थोड़ा सा खुले दिमाग से सुनेंगे, हाँ, तो आपके लिए इट कैन बी, मैं कह सकता हूँ कि म्यूजिक टू योर ईयर्स, हाँ, आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का खबर होगा, हाँ। वो क्या है? एक एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में हम लोग सब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं, हाँ। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एमवे लेके आ रहा है। किस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर हम इंडिया की बात करें तो एमवे का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में नीलाकोट्टई में। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, तो इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होम डिलीवरी का एक करीबन 12,000 पिन कोड्स का इनका एक सपोर्ट है। इनका खुद का वेबसाइट है, इनका खुद का एक कॉल सेंटर है। तो ये सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी उतना डिटेल में जाना का जरूरत नहीं है, हाँ। अच्छा, दूसरा एलिमेंट है सिस्टम का। वो देखिए, ये समझने की जरूरत है
कि हम कोई भी काम करें अगर आधा अधूरा करेंगे तो आधा अधूरा रिजल्ट आएगा। हाँ, तो एमवे बिजनेस में भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एक चीज और चाहिए, वो है सिस्टम। किस चीज का सिस्टम? देखिए, जहां कोई आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, चाहे वो इम्प्लॉयज का हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स का हो, है ना, तो वो बड़े लेवल पे कैसे हम इंश्योर करें कि हर एक के पास सेम गोल हो, सेम पर्पस हो, सेम माइंडसेट हो, सेम स्किल हो, वो कैसे हम करेंगे? तो वहां उस चीज को अचीव करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमको मिला है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का मेन काम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको अगर आप ऐसे देखें कि एक बिजनेस स्कूल है ये, है ना, यहाँ पे खासकर पर्टिकुलर केस ऑफ एमवे के बिजनेस के लिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, कुछ इनके स्मार्ट टच जैसे कुछ एप्स हैं, वहां पे हम लोग काफी सारे लोगों का जो उन्होंने सक्सेस अचीव किया है, कैसे अचीव किया वो हम जान सकते हैं, है ना, और इनके कुछ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, तो इन सब की मदद से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्या हुआ, हार्डवेयर, हाँ, और उस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज। अगर आपका एक अच्छा लैपटॉप हो, चाहे वो एचपी का हो चाहे वो लेनोवो का हो, वो लैपटॉप आपके लिए अनयूजेबल है अगर उसमें विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस बिजनेस में ब्रिट वर्ल्ड वाइड का वही रोल है जो लैपटॉप में विंडोज का है। ओके, तो फिर हमको और आपको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस तरह का इनकम कैसे करेंगे। हाँ, तो हमको आपको जो करना है इस बिजनेस में वो है जो हम ऑलरेडी करते हैं। हाँ, अब आप देखिएगा, हम लोगों का एक ऑफलाइन सोशल नेटवर्क है, एक हमारा ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, फेसबुक बोलिए, लिंक्डइन बोलिए, व्हाटएवर, है ना। तो इन सबको अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कैसे टैप करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, अगर हम वो सीखें तो हम एक बड़ा बिजनेस जो हम अभी बात कर रहे थे उसकी उसका हम फाउंडेशन रख सकते हैं। ओके, अब एमवे के बारे में जितना बोला जाए कम है, हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि देखिए इस बिजनेस में हम और आप जो लगा रहे हैं वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग अपना समय लगा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम अपना समय लगाएं, एक मेहनत करें और चार पांच साल बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ के भरोसे हमने इस मेहनत को किया था वो ऑर्गेनाइजेशन ही ना रहे। एमवे के केस में ये वर्ल्ड की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हाँ, इसके तीन तथ्य से आपके लिए बहुत कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। नंबर वन क्या है कि ये लोग $8.6 बिलियन की कंपनी है, करीबन करीबन 60,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है 60,000 करोड़ के इनके प्रोडक्ट्स पिछले 60 सालों से, क्योंकि ये 1959 में आई थी, है ना, तो आज 2020 है, तो 61 ईयर्स से लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, करेक्ट। और ये लोग 100 से ऊपर देशों में बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? 100 से ऊपर से गवर्नमेंट्स के साथ इनका लेना देना है, है ना। तो अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, एक प्रूवेन बिजनेस, 60,000 करोड़ का बिजनेस यानी एक प्रूवेन बिजनेस, हाँ, समय की कसौटी के ऊपर खरा उतरा है और ज्योग्राफिकली टेस्टेड हुआ है, है ना। इसके अलावा इनके बहुत सारे अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, खासकर आप एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि इनके 1150 से ऊपर पेटेंट्स हैं और 700 पेटेंट्स इनके पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये है कि हम लोग इनके जो प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं ये सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केट में कॉपी नहीं कर सकता कोई इसको ऐसे ही, है ना। एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन इनको मिला है, वो है यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड। ओके, तो हम सबको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम लोग आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपका इंफॉर्मेशन सही हो, है ना। अगर हम थोड़ा सा इंडियन की उसकी बात करें तो मैं आपको अगर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना मुनासिब हो तो वो इंडियन उसको काफी हद तक।
embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people, and processes. By science, technology, research, and we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. Infrastructure हमारे लिए है। जब हम इस business में शुरू करते हैं, हमारे अजाने एक ऐसा strong infrastructure हमारे पीछे establish हो जाता है। Problem क्या है? कि इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है. कई बार हमको हवा इतना फ्रीली अवेलेबल है कि हम उस हवा का वैल्यू नहीं देख पाते हैं. लेकिन अभी समझ में आ रहा है ना COVID-19 के चलते कि हवा दूषित भी हो सकती है. ऑलराइट, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पीछे है. ये मैं ये फीलिंग आप लोगों के अंदर लाना चाह रहा था. अब अगर बात करें इनके प्रोडक्ट रेंज की, तो एमवे का जो प्रोडक्ट रेंज है ये बहुत सारे कैटेगरीज में है और ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. डायरेक्ट सेलिंग स्पेस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट रेंज में स्पेशलाइज करती हैं. एमवे का जो प्रोडक्ट रेंज है वो क्या है, वो हर एक आदमी के लिए कुछ है. मान लीजिए कोई ब्यूटिशियन है, उसके लिए स्किन केयर है. कोई हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ के साथ बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए हेल्थ है. कोई एयर प्यूरिफायर का बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए एयर प्यूरिफायर है. कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कुकवेयर के साथ बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए वो है. कोई आयुर्वेदा में स्पेशलाइज करना चाहता है, उसके लिए वो है. कोई सारे कैटेगरीज में बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए वो है. तो ये इसका मेजर स्ट्रेंथ है. जनरली स्पीकिंग ये दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इतने सारे, और वो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट, सबसे बड़ी बात है, है ना. तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और यहां जो न्यूट्रीलाइट और आर्टिस्ट्री आप देख रहे हैं, न्यूट्रीलाइट एक आप देखेंगे कि यूरो मॉनिटर का जो सेल्स का जो फिगर है उसके हिसाब से ये नंबर वन है. वर्ल्ड का नंबर वन विटामिन एंड डायटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है. आर्टिस्ट्री एक टॉप 5 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड्स में से एक है और इंडिया में नंबर वन है. ओके, बहुत कुछ जानने की जरूरत है, आज उतना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ. आप लोगों ने ये जो प्लांट का इनका थोड़ा सा देखा अभी वीडियो में, आप सोच सकते हैं कि इनका जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्लोर क्लीनर, जैसे डिटर्जेंट, ये जो प्लांट है ये एक जैसे दवाई जिस तरह के एनवायरनमेंट में बनती है, जीएमपी स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, ऐसे एनवायरनमेंट में ये प्लांट ऑपरेट कर रहा है. यानी जो प्रोडक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ कौन से कैटेगरी से इन्वॉल्व है, ये सारे प्रोडक्ट्स उस एनवायरनमेंट में तैयार हुए हैं जहां जिस एनवायरनमेंट में टिपिकली एक दवाई तैयार होती है. तो ये इनका क्वालिटी के ऊपर फोकस है. हम लोग बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं और 100% मनी बैक गारंटी भी इस वजह से है कि ये लोग का इतना. तो मैं मेरे ख्याल से काफी कुछ कह चुका हूँ एमवे के बारे में, और कुछ ज्यादा कहना नहीं है. हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए एमवे एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं. मंथ ऑन मंथ आप विश्वास कीजिए, किसी से भी पूछिएगा तो 7 से 10 के बीच में उन लोगों का जो
जो उन्होंने पिछले महीने काम किया था उसका जो इनकम है वो 7 से 10 के बीच में उनका क्रेडिट हो जाता है बैंक में। आज तक हमारे जो जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें एक महीने का भी डिले नहीं हुआ। और आने वाला दिन, देखिए एक चीज है, हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक चीज देखना आवश्यक है, वो है कि उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं और आप चाहें तो गूगल में भी देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर अगर आप गूगल में टाइप करिएगा तो उसमें लिखा है क्लियरली कि फिक्की और केपीएमजी का एक स्टडी है जहां पे ये कह रहा है कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की या 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। अभी जितना इसका लेवल है शायद ये 7,800 करोड़ का लेवल है। तो आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कितना बात कर रहे हैं, करीबन 800% ग्रोथ का बात कर रहे हैं अगले 5 से 10 सालों में। कितनी सेक्टर्स ऐसे हैं इस वक्त जो ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में हमारा 800% ग्रोथ होगा। तो उस सेक्टर को आप बिलोंग करने वाले हैं अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। थोड़ा सा इसके बेसिक उसके ऊपर आए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। सिंपल सा है, ट्रेडिशनल हम लोग किस बिजनेस में, हम लोग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं। और जाहिर सी बात है जो आपके लिए खर्चा है वो इन सबके लिए इनकम है, है ना। और 50% करीबन ये जो किसी प्रोडक्ट का दाम है वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट के साथ होता है, है? और आप उसके लिए 100% क्यों पे करते हैं, क्योंकि बीच वाले लोग को भी देना पड़ता है। तो दैट इज द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अपना जो खर्चा है, देखिए हम जो भी कमाएंगे उसका एक तो हिस्सा खर्चे में जाएगा और बाकी सेविंग्स में। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने खर्चों को टैप कर रहे हैं, हम लोग अपने खर्चों को इनकम में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में है। कितना सिंपल आइडिया है सोच सकते हैं, है ना। अब अगर मैं एकदम समराइज्ड वे में बोलूं, आप किसी ना किसी दुकान के साथ आज जुड़े हुए हैं, चाहे वो दुकान बिग बाजार हो, चाहे वो दुकान अमेजोन हो, चाहे वो आपके मोहल्ले का कोई ग्रोसरी स्टोर है, है ना। तो वहां से आज आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप एमआरपी में खरीदते हैं, मनी बैक गारंटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वहां पे आपका जो स्टेटस है वो है कस्टमर का स्टेटस, आपको वो मुनाफे की भागीदारी नहीं दे रहा है, है ना। एमवे में आप जब शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि आप उनके यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर की तरह जुड़ रहे हैं। और वो भी अगर आप जानते हैं कोई भी दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आपको अगर पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़े या हिंदुस्तान लीवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़े उसके लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप एमवे के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं और डे वन से करीब करीब 20% को आप टैप कर रहे हैं विद प्रोडक्ट जिसके ऊपर 30 डेज का मनी बैक गारंटी है, है ना। और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखिए, मैं अगर आपको इस तरह से समझाऊं कि आप अमेजोन में आप रेगुलर परचेजिंग करते हैं, है ना। अगर कल को अमेजोन से आपको प्रपोजल मिले कि आपका जो फेसबुक का कॉन्टैक्ट है वो भी आपके टर्नओवर में जुड़ेंगे और न केवल आपका अमेजोन का खर्चा आपके लिए इनकम होगा बल्कि आपके फेसबुक में जो कनेक्शन है उनका जो खर्चा है वो भी आपके लिए एक बिजनेस टर्नओवर में होगा, तो आप सुन के खुश होंगे ना दुखी हो जाएंगे, है ना। अगर आप मुझसे पूछें, ऐसा कोई मॉडल है नहीं कि जहां पे फेसबुक और अमेजोन जुड़कर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एमवे इज दैट काइंड ऑफ मॉडल, तो ये समझने की आवश्यकता है। एनीवे, जो मैंने अभी कहा वही है कि हमारी एक जो नेचुरल टेंडेंसी है, देखिए कोई भी चीज जेन्युइनली अगर हमको अच्छी लगे तो हम उसको बताते हैं दूसरों को, और जेन्युइनली खराब लगे तो भी बताते हैं, है ना। तो ये जो बिजनेस है कुछ ऐसी नेचुरल चीजों के ऊपर आधारित है कि हम अपने खर्चे को इनकम में करें। अब खर्चा ऐसा चीज है आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे ही ना वैसे, है ना, उसको ही आप टैप कर रहे हैं। दूसरा, हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सफलताएं असफलताएं शेयर करने की, है ना, तो वो चीज भी आप यहाँ कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट्स द बिग पिक्चर,
मैं आपसे अभी बड़े लेवल की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस बिजनेस को आपने सिंसियरली किया, इसके प्रोसेसेस को, इसके अप्रोचेस को सीख कर, समझ कर अगर आपने किया, तो आपको इस बिजनेस में अगले 1 से 2 साल के अंदर एक लेवल आप हासिल कर सकते हैं जहां पे मंथली 60,000-80,000 का आपका मंथली इनकम होगा, और ये सारा पब्लिश डेटा के ऊपर है, है ना। एमवे का जो इनकम मॉडल है, मैं अब हायर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें हायर लेवल्स ऑफ इनकम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। आप महीने में 2.5 लाख भी कमा सकते हैं। हमारे जो मार्गदर्शक हैं शांतनु जी और सोरेन चक्रवर्ती जी, है ना, वो लोग इन हायर लेवल्स को बिलोंग करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस बिजनेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी है जो आदमी इसको सीरियसली करना चाहे और सिंसियरली करना चाहे। लेकिन एक चीज का हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो इनकम है वो प्रोडक्ट के सेल के ऊपर है, ना कि ज्वाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर है। ये रिक्रूटमेंट ओरिएंटेड पैसा नहीं है, है ना? दूसरा, यहाँ पे कौन पहले आया और कौन बाद में आया उससे कोई मतलब नहीं है, जिसने काम किया उसको इनकम है। और तीसरी बात कि आप यहाँ पे किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर आप सोच के देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी को मिसगाइड करेंगे जो आपके थ्रू इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, तो जाहिर सी आंसर है आप कहेंगे कि नहीं, क्यों हम मिसगाइड करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि उसको अगर आप मिसगाइड करेंगे तो आपका भी नुकसान है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि आप किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे, तो फिर ये भी समझ लीजिए कि कोई आपको क्यों मिसगाइड करेगा, यानी एक विन विन सिस्टम है, है ना। एमवे में बहुत सारा इनकम है, कहते हैं कि स्काई भी लिमिट नहीं है, हा? और अभी सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि एमवे के जो फाउंडर्स हैं, पहले से जो इनकम आ रहा था वो तो बहुत एक्साइटिंग था ही, उसको हम लोग कहते हैं कोर प्लान। अब उन्होंने एक और प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, जिसको बोल रहे हैं कोर प्लस, यानी आप जो कमाएंगे, जो बेसिक आपको इनकम ऑलरेडी अवेलेबल था, आपको एक एडिशनल इनकम का ऑप्शन है। तो इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, ये जान लीजिए। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये सारा टर्नओवर से जुड़ा हुआ है। जितना आपका बिजनेस टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपका इनकम बढ़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके क्लियर करूंगा। तो ये देखिए अलग अलग टाइप के इनकम्स हैं, सारे आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको मैं बताता हूँ। एक है आपका एमआरपी में जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है, करीबन 5-10% का फर्क होता है। इसके बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, अगर मैं 10% पकड़ के चलूं और टैक्स अगर घटा के चलूं तो करीब करीब 7% होता है। और टर्नओवर के ऊपर आपको 3-21% का सेल्स कमीशन होता है। ओके, मैं और एडिशनल इनकम की अभी बात नहीं करता हूं। तो इसके ऊपर एक दो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी और आपने करीबन 5,000 रुपये का खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स लिया, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर्स बनाने का, क्रिएट करने का। तो अगर प्रेफर्ड कस्टमर्स के थ्रू 5,000 का बिजनेस हो रहा है और आप 5,000 का सामान ले रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब आपको 1,200 रुपये का इनकम होगा। मेरा जो अंदाजा है कि 12% मार्जिन किसी भी बिजनेस में, खासकर रिटेल बिजनेस में, ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ओके, तो ये हुआ आपका शुरुआती दौर। मान लीजिए आपने इस बिजनेस में, आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे अपने जैसे लाइक माइंडेड बिजनेस ओनर्स को इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। तो दो ही काम है, कस्टमर क्रिएट करना और स्पॉन्सरिंग करना। प्रोडक्ट तो हम ऐसे भी यूज कर ही रहते हैं, है ना। तो अगर आपने यहाँ इस सिनेरियो के हिसाब से अगर करीब करीब 45,000 का बिजनेस आप कर रहे हैं और उसमें से 5,000 आपका खुद का टर्नओवर है, खुद का कंजम्पशन है, और इसके अलावा आपके कस्टमर्स हैं, आपके कुछ लाइक माइंडेड बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस सिनेरियो में करीब करीब आपको 3,240 का इनकम आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ रहा है, हाँ, वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ेगा। एक चीज समझ लीजिए, आप टर्नओवर दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, खुद का प्रोडक्ट यूज को बढ़ाकर, दूसरा कस्टमर बढ़ाकर, तीसरा अपने जैसे लाइक माइंडेड बिजनेस पार्टनर्स को बढ़ाकर। सिंपल है ना। ऐसे ही अगर हम एक और सिनेरियो देखें, करीबन
25,000 इनकम करने का एक ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो करीब करीब 1.2 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, कोई कोई 2 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, कोई 80,000 का बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह से आपका टोटल बिजनेस 4,20,000 के आसपास यहाँ आप देख रहे हैं, और इस प्रोसेस में आपको करीब करीब 25,000 का इनकम हो रहा है। तो मेन चीज जो यहाँ समझने का है वो ये है कि टर्नओवर से जुड़ा हुआ इनकम है, और हर कोई अपनी मेहनत के हिसाब से कमा रहा है। आप किसी के ऊपर कमा रहे हैं, आप पहले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में उसके एवज में आपकी कमाई है, है ना, विन विन, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। और अगर आपने इस 21% लेवल को हिट किया तो आपको करीब करीब 70,000 रुपये का इनकम का इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है वो है 3 टीम्स को लेकर आप चढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन किसी ने आपको कसम नहीं दी है कि आप 3 टीम ही बनाइए, आप 4 टीम बना सकते हैं, आप 5 टीम बना सकते हैं, आप 6 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब जो मैंने शुरू में कहा, यहाँ इनकम के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हमने 3 टीम का सिनेरियो आपके सामने पेश किया। नाउ इस बिजनेस का कुछ तो हमको मिलेगा और कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज मतलब ताली कहते हैं ना, 2 हाथों से बजती है, है ना। तो एक एक साइड है कि इस बिजनेस से मुझे मिलेगा क्या। सबसे पहला जो मिलेगा, आज की इस अनसर्टेन दुनिया में मेरे को फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। फिनेंशियल सिक्योरिटी क्यों चाहिए मेरे को, क्योंकि रात को सोना भी तो है ना, मन की शांति के लिए, है ना, और आपका जो हेल्थ है वो आपकी पीस ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है, ये जान लीजिए। दूसरा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, इस आप देखेंगे आज की डेट में काफी लोग चिंतित हैं, कोरोना कर रहे हैं, है ना। हमारे इस एसोसिएशन में आप हम लोग इतना सिक्योर्ड फील करते हैं, इतना पॉजिटिव है, हम लोग ये न्यूज से उतना ही जानने का प्रयास करते हैं जितना जरूरी है, है ना। तो एक पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा। तीसरा चौथा क्या मिलेगा, रिवॉर्ड्स। देखिए हम ऑफिस में काम करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस में काम करते हैं, आपका रिवॉर्ड आपके कंट्रोल में नहीं है ना, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ आपका रिवॉर्ड आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि मैं अगर 15% लेवल में जाऊंगा मुझे 25,000 का इनकम होगा, मैं अगर 21% लेवल में जाऊंगा मुझे 70,000 का इनकम होगा, आपको पता है ना। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट जो है वो है आपको समय मिलेगा। अब आप पूछेंगे समय कैसे मिलेगा। देखिए हमारे जो मेंटर्स हैं उन्हीं की मैं अगर एग्जांपल लूं, वो एक समय कॉरपोरेट में थे, बहुत अच्छे नौकरी करते थे, है ना। आज इस बिजनेस में उनका जो कमाई है उनका कॉरपोरेट इनकम से बहुत गुना ज्यादा है, है ना। आज उस वजह से वो कॉरपोरेट जॉब के साथ इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस बिजनेस को वो अपने हिसाब से अपने समय देकर कर रहे हैं, तो उनका समय उनके पास वापस आ गया, है ना। अब इतना कुछ मिलेगा तो कुछ देना भी पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सबसे पहली बात वही देना पड़ेगा जो हम अपने जॉब को देते हैं। जॉब में हम क्या देते हैं, अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं, है ना। सुबह 9 बजे अगर जाना है तो जाना है, हाँ, चाहे जुकाम हो चाहे ट्रैफिक का दिक्कत हो, हम जाना है, है ना। दूसरा हम क्या देते हैं कि कोई भी नया प्रोफेशन है जहाँ इतना कुछ मिलेगा तो वहां पे अपने आइडिया के हिसाब से काम नहीं करना है, सीखना है, समझना है, हाँ। तो उसके लिए जो सीखने समझने का जो माइंड सेट है जिसको हम लोग कहते हैं टीचेबिलिटी, वो बहुत आवश्यक है। ये तो आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने एमवे किया था, लेकिन उन्होंने क्या एमवे किया था वो भगवान जानता है, है ना। तीसरा विलिंगनेस टू चेंज, मैं जैसा हूं वैसा ही रहा तो मुझे वही मिलेगा जो आज तक मिलता है ना? और चौथा अपनी जरूरत को लेकर बहुत ईमानदार होना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम किसी को इम्प्रेस करने का प्रयास नहीं कर रहे, हमको अपनी जरूरत को खुद एहसास करना है, खुद उसको समझना है और अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए कुछ उसको काम में लगाना है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ओके, मैं दोबारा बात करूं इस COVID-19 को लेकर। ओके, करेंट सिनेरियो बहुत ग्रिम है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा देखता हूं कि आपको इसका एक बड़ा यूनिक इनका एक प्रोडक्ट है उसका, अगर ऐसे एक जलजाइम कहते हैं। टू परफॉर्म दिस डेमोन्स्ट्रेशन यू विल नीड Amway Home SA8 Gelzyme Liquid Laundry Detergent, a white borderless handkerchief, chocolate bar at room temperature, pen, lipstick, turmeric powder,
mustard oil, a large bowl of water, pour and measure cap, and squeeze bottle with turret top. The purpose of this demonstration is to show how Amway Home SA8 can easily remove various types of stains. Take the handkerchief and make different types of marks, such as lipstick, pen, turmeric and oil mark, and chocolate marks on it. These are some difficult to remove stains we come across in our day-to-day life. Using a pour and measure cap, mix 3 parts of SA8 gel zyme to 1 part of water to prepare a pre-treatment gel. For this, ideally 40 ml of water and 120 ml of SA8 should be used. Apply this directly to the stain and rub. You will see that the stains have started to come off. Now, wash the handkerchief thoroughly in water and remove. Did you see? All the stains are gone. This proves that Amway Home SA8 Gelzyme Liquid Laundry Detergent effectively cleans different types of stains. चलिए, बहुत सब कुछ देख लिया. मैं एक दो चीजें करके मेरा ऑलमोस्ट मैं टुवर्ड्स द एंड हूँ. मैं आप सबको थोड़ा सा सेंसिटाइज करूँ कि ये जो करंट सिनेरियो है, ये हम लोगों में से किसी ने ऐसा सिनेरियो कभी देखा नहीं. और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, हम में से कोई नहीं जानता. कुछ लोग बता रहे हैं कि इतना होगा, इसका इतना जॉब जाएगा, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता है कि मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा. और वो जानने की जरूरत भी नहीं है. सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अंधेरा अंधेरा नहीं चिल्लाकर अगर हम लाइट जला लें तो वो बहुत है ना. तो इस अपॉर्चुनिटी के जरिए आज हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में है वो करें, और जो होना है आसपास वो तो होगा. लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या जानते हैं, लोग कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारे सेक्टर्स इस बिजनेस के इम्पैक्टेड होंगे कोरोना की वजह से, लेकिन कुछ सेक्टर्स एक्चुअली ग्रो करेंगे, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिसमें एमवे है, हेल्थ सेक्टर ग्रो करेगा, एजुकेशन सेक्टर भी इससे इम्पैक्टेड उतना नहीं होगा ऐसा कहते हैं लोग, है ना. तो हम लोग ये तीनों चारों चीजों में हम लोग इन्वॉल्व हैं. और मैं आपको कहूँ कि ये इस वक्त हम लोग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसको हमारे पैरामीटर्स, जिसको हम पहले भी दोहरा चुके हैं कि अपना प्राइमरी प्रोफेशन के साथ हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी प्रोफेशन डिस्टर्ब करके हम कुछ नहीं करना चाहते, है ना. और चूंकि हम लोग अपना समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक ऐसा सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन हमको चाहिए, एक एथिकल कंपनी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है एक एजुकेशन सिस्टम हमको मिल रहा है ना. तो इस वजह से ये बिजनेस ऑल्दो पार्ट टाइम है, लेकिन इसका रिवॉर्ड आने वाले दिनों में फुल टाइम से भी अधिक है. और सबसे बड़ी बात है ये आपका है, यहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता. आपको यहाँ कोई हायर नहीं कर रहा है, इसलिए फायर भी नहीं कर सकता. ओके, तो एनीवे मैं दोबारा से एक फाइनल रिकमेंडेशन आपको दूं कि जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में इस फोरम में आने के लिए रिकमेंड किया था, उनसे आप हो सके आज ही और नहीं तो लेटेस्ट बाय टुमारो उनके साथ एक फोन के ऊपर, जूम के ऊपर, जैसे भी आपका पॉसिबल हो, एक अपॉइंटमेंट सेट करें. अपने सारे बेसिक क्वेश्चंस को आप डाउट क्लैरिफाई कर लें, लेकिन वही क्वेश्चन पूछिए जिसका सेंस बनता है, है ना. जैसे आप इस बिजनेस को डाउट मत करिए कि ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, वो तो ऑलरेडी 61 सालों से प्रूव हो चुका है. मेरे और आपके कहने से ये बिजनेस चलता है या नहीं चलता है उसका कोई लेना देना नहीं है. बेसिक सवाल ये है कि आपके लिए कैसे काम करेगा, आपका जो करंट प्रोफेशन है उसको लेके आप कैसे काम करेंगे, उस तरह के सवाल कीजिए जिसका आपका एक प्रोडक्टिविटी हो, है ना, जो आपको हेल्प करे. ओके, और इसको स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी आप उनको उनसे आप समझ लीजिए. ओके, तो एनीवे मैं दोबारा से अपने जो मार्गदर्शक हैं
सोरेन चक्रवर्ती और शांतनुदा वर्णालिदी का दोबारा से धन्यवाद करूंगा। मैं और महाश्वेता इस बिजनेस को बहुत सिंसियरली और सीरियसली कर रहे हैं और मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूं कि आप सबका भविष्य इसके थ्रू उज्ज्वल हो। धन्यवाद।